हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन माय चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक व्लॉग लेकर आई हूँ, जिसमें वो व्लॉग भी मेरी बुआ के साथ होगा, जिसमें हम खूब ढेर सारी बातें करेंगे, एक दूसरे के बारे में बताएंगे अपनी फीलिंग्स। बुआ भी मेरे बारे में बताएगी और मैं भी बुआ के बारे में बताऊंगी, बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, मैं हूँ इसकी बुआ। मेरा नाम है पूजा और ये है दिव्या। और आप सभी को पता होगा, मेरा भी यूट्यूब पे एक चैनल है, पसंद आपकी वीडियो हमारी, वो आपको यहाँ पर लिंक दिव्या दे देगी, आप उसको जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। और दूसरा चैनल भी है, मम्मी पापा की दुनिया, वहाँ पर आपको बच्चों के लिए वीडियोस मिलेंगी। सो गाइस, जब बुआ की शादी हुई थी तो मैं ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी थी। और जिस दिन शादी हुई थी उस दिन मैं बहुत रोई थी। और बुआ की विदाई के बाद तो मैंने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था। फिर 3 दिन के बाद बुआ आई थी घर पे, देन हम लोगों ने खाना खाया था और इतना ज़्यादा रोए थे। अब तो बुआ का बेबी भी हो चुका है और अभी भी जब बुआ आती है तो हम लोग इतने खुश होते हैं, आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा। और जब बुआ जाती है तो इतने रोते हैं कि पूछो मत। और एक ही नहीं, हम लोग तीनों बहुत ज़्यादा रोते हैं। और जब बुआ आती है तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। और बुआ का एक बेबी भी है, वो भी काफ़ी क्यूट है। हाँ, ये ठीक कह रही है। जब मेरी शादी हुई थी तो ये लोग बेचारे बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि हम लोग साथ में खेलते थे और मैं एकदम बच्चों की तरह इनके साथ ट्रीट करती थी। और इनको लोरी सुनाना, गाना सुनाना, इनके साथ डांस करना, मस्ती करना, और मतलब एक आइडल बुआ होती है उनकी तरह, मैं इनके साथ हमेशा रही हूँ और इनको हमेशा खुश रखती थी। और शादी के बाद वही सब कुछ चेंज हो जाता है और ये बेचारे मेरे को बड़ा मिस करते थे। ओवरऑल मतलब सब कुछ चेंज हो गया था, बेचारे बच्चे मेरे बिना पागल हो गए थे। और जो मेरी छोटी भतीजी है परी, वो तो और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मतलब उसको मेरे बिना अच्छा नहीं लगता था, वो छोटी थी घर में, वो घर में सबसे छोटी है, सबसे छोटी थी। और इसको लोरी सुनने की आदत थी मेरे से, मैं लोरी सुने बिना सोती नहीं थी, बट अब आदत हो गई है लोरी बिना सुन के सोने की। तो जैसे ही मैं इसको लोरी सुनाती थी, चंदनिया आ जा रे, और ये तुरंत सो जाती थी। और 24 घंटे, अब जैसे ही मेरी शादी हुई थी तो मुझे याद है, मैं अगर टॉयलेट भी जा रही थी तो ये तीनों मेरे पीछे पीछे लगी रहती थी, और आज भी ये मेरे पीछे पीछे लगी रहती है, अपनी मम्मियों को भूल जाती है। और बड़ा अच्छा लगता है, बेचारी मेरे को इतना प्यार करती हैं ये तीनों, और बहुत खुशी होती है कि मेरे को भगवान ने इतनी प्यारी प्यारी भतीजियाँ दी है, भगवान सबको इतनी प्यारी प्यारी बुआ दी है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और जब बुआ कॉलेज जाती थी तो हमारे लिए काफ़ी सारे टॉयज़ लाती थी, गिफ्ट्स लाती थी, तो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आते थे। अभी वो गिफ्ट हमारे पास कुछ आज भी है और कुछ टूट फूट के अलग हो चुके हैं। और जब तक वो आती नहीं थी, मैं जीने पे बैठ के रोती रहती थी। और जब वो आती थी तभी चुप होती थी, और बिना गिफ्ट लिए तो मानती नहीं थी, बिकॉज गिफ्ट की आदत सी पड़ गई थी, डेली मिलते थे, नहीं तो चीज़ें मिलती थी हमें डेली, सो आदत सी हो गई थी। और अभी भी ऐसा ही है, जब भी वो आती है तो हमारे लिए ढेर सारे गिफ्ट्स वगैरह। मुझे भी याद है, जब मैं कॉलेज जाती थी तो ये हमारे जीने में एक जाली टाइप की बनी हुई थी, वहाँ बैठ के रोती रहती थी, बुआ बुआ ऐसे करके रोती रहती थी। और बेचारी बड़ा रोती थी मेरे लिए, कि हमारे घर में फर्स्ट थी सबसे, तो इसको मेरे से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। और आज भी ये मेरे पास ही सोती हैं तीनों की तीनों, और काफ़ी अच्छा लगता है हमें, साथ में हम लोग खाना खाते हैं, पार्टी करते हैं अभी जब मैं आती हूँ। और मेरा जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा नॉटी है, और ये बेचारी बहुत सीधी थी, और इनको मैं आज भी बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा इतना नॉटी है तो मुझे इनकी बड़ी याद आती है। मैं आपको अपना बेटा दिखाती हूँ। यस, ये है मेरा बेटा, बोलो हाय। हाय एवरीवन। ये भी मेरे साथ वीडियोस बनवाता है। और ये है हमारी परी, ये मेरी छोटी भतीजी है, और ये बड़ी भतीजी है, इसको तो आप जानते ही हैं। ये है मेरी बीच वाली भतीजी, यानी कि मिडल वाली भतीजी, और ये बहुत ही अच्छी डांसर है। और ये तो छोटी वाली सपना चौधरी है, और ये छोटी नहीं, ये बड़ी है, वो छोटी सपना चौधरी है। ये लोग बहुत अच्छा डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, और ये पटाखा है हमारे घर में तो ये हम सभी आपस में बहुत मस्ती करते हैं। और आज भी मैं इनके साथ बच्चों जैसे ही रहती हूँ, मेरे को बड़ों जैसा बनना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हम तीनों मस्ती करते हैं, इंजॉय करते हैं, थोड़ा मेरा बेटा परेशान करता है, बट कर लेते हैं जैसे भी कर पाते हैं। सो गाइज, ये हमारा छोटा सा व्लॉग था, और आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
कमेंट करें, शेयर करें। बहुत ज्यादा नॉटी बच्चा है ये, हमारे घर में सबसे ज्यादा नॉटी है, बहुत ज्यादा शरारते करता है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाय बाय एवरीवन।